दिल्ली में शुरू हुई G20 की बैठक में चीन ने अपनी कूटनीतिक मामलों में अब तक की सबसे बड़ी गलती कर दी है। इस गलती के चलते अब चीन का अफ्रीकन यूनियन के 55 देश में न सिर्फ विश्वास का संकट पैदा होगा बल्कि उसके निवेश के अरबों डॉलर पर भी संकट खड़ा हो सकता है। विदेशी मामलों के जानकारों का मानना है जब G20 समूह में अफ्रीका के 55 देश को शामिल किया जा रहा था तो चीन के राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी दुनिया के उस बड़े भूभाग के 55 देशों में चीन की अहमियत तो बता ही रही थी बल्कि इसका एक बड़ा नकारात्मक संदेश भी जा रहा था। फिलहाल भारत की पहल पर G20 में शामिल किए गए अफ्रीकन यूनियन से देश ने एक बड़ी डिप्लोमेटिक राह अफ्रीका के देशों में मजबूत की है। आपको बता दें G20 के लिए तैयार किया गया भारत मंडपम आखिरकार उस बड़े ऐतिहासिक पल का गवाह बन गया जिसके लिए दुनिया के 20 ताकतवर देश और उन देशों के समूह का प्रतिनिधित्व मोदी के समर्थन में हाँ कर रहा था। विदेशी मामलों के एक जानकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया जाना भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि इसमें चीन की एक बड़ी कूटनीतिक हार दिख रही है। उनका कहना है कि दरअसल चीन अपने भारी निवेश के चलते अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल तो करना चाह रहा था लेकिन जब बारी शामिल करने की सहमति के तौर पर आई तो उसे पल के गवाह चीनी राष्ट्रपति नहीं बने और यही मौका था जिसमें भारत में अफ्रीकन यूनियन के देशों में न सिर्फ अपना विश्वास हासिल किया बल्कि एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी हासिल कर ली। आपको बता दें कि विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि चीन समेत सभी देशों की सहमति के साथ ही अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया गया है लेकिन अफ्रीकन यूनियन के देशों के प्रति गंभीरता कितनी है वह चीन के राष्ट्रपति की G20 की बैठक में शामिल न होने से पता चलता है। विदेशी मामलों के जानकार का कहना है कि यह एक ऐसा मुद्दा था जिसकी नई दिल्ली में होने वाली बैठक में मिलने वाली सहमति भारत को वैश्विक स्तर पर न सिर्फ बहुत बड़ी पहचान और ताकत के तौर पर स्थापित करने वाली थी बल्कि एक वैश्विक लीडरशिप के लिहाज से भी भारत को एक नई पहचान भी दिलाने वाली थी। अब जब अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया तो भारत की कूटनीति को अफ्रीका के 55 देश में बड़ी स्वीकार्यता के तौर पर देखा जा रहा है। उनका कहना है कि अफ्रीकी यूनियन में दुनिया की करीब 66% आबादी रहती है क्योंकि भारत लगातार अफ्रीकी देशों में वहाँ के नागरिकों की भलाई और उनके विकास के लिए लगातार मदद करता आ रहा है। ऐसे में भारत की ओर से किए गए इस सफल प्रयास को दुनिया के इन 66% आबादी वाले देशों में बड़े कूटनीतिक फलक पर देखा जाना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।